आपके हाथ में फोन है उसको घुमा के देखो, मेड इन चाइना। शर्ट के पीछे मेड इन चाइना, जूते के नीचे मेड इन चाइना। नरेंद्र मोदी जी सरदार पटेल जी की मूर्ति बना रहे हैं गुजरात में, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, बहुत अच्छा काम है, मगर मूर्ति मेड इन चाइना। अब सरदार पटेल जी का अपमान, उनकी मूर्ति बन रही है, नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं, मगर सरदार पटेल जी की मूर्ति मेड इन इंडिया नहीं हो सकती है, मेड इन चाइना होगी। तो जहां भी देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए किया है वो आपत्तिजनक है, वो खेदजनक है। चाइना के साथ कंपेयर करते हुए ये कहना कि जिस प्रकार जूतों के पीछे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार सरदार पटेल की जो स्टैचू बन रही है, जो वर्ल्ड के सर्वाधिक बड़ी मूर्ति है, वह भी उसी प्रकार मेड इन चाइना है। देखिए, जूतों के साथ इस प्रकार कंपैरिजन करना ये बहुत ही आघातजनक है। करोड़ों लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, न केवल गुजरात के अपितु भारतवर्ष के प्रत्येक उस भारतीय जो कि जानता है कि सरदार पटेल जी ने किस प्रकार का एक विराट काम किया है भारतवर्ष के लिए, उसके लिए बहुत चिंतनीय विषय है। राहुल जी को इसके लिए खेद जताना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए।